आस्था के महाकुंभ शिवरात्रि महोत्सव 2019 का आगाज मंगलवार को छोटी काशी में राजदेव माधव राय की शाही जलेब से हो गया है। भोले का यह महोत्सव अब 11 मार्च तक चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की पहली जलेब में हजारों लोग उमड़े और देवी देवताओं ने खूब नृत्य किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राजदेवता माधव राय के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही शाही जलेब में शिरकत की, जिसके बाद रियासत काल से निकलने वाली राजदेवता माधव राय की जलेब मंगलवार को शान शौकत के साथ निकली। राजमाधव पालकी में सवार होकर शाही जलेब के बीच निकले, हजारों लोगों ने उनके दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में ध्वजारोहण कर एक सप्ताह तक चलने वाले मेलों का विधिवत शुभारंभ किया। माधव राय की जलेब में इस बार बेटी बचाओ का रथ और मातृशक्ति भी आकर्षण केंद्र रही। वहीं पुलिस के घुड़सवार, पुलिस और होमगार्ड बैंड, पुलिस के जवान, होमगार्ड महिला गृह रक्षकों की टुकड़ी के अलावा स्कूली बच्चे और लोक नृतकों के दल, सांस्कृतिक छटा बिखेरते दलों ने भी राजदेवता की जलेब में शिरकत की। इसके बाद शाही जलेब में अपने मंत्रियों के संग मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुली जीप में सवार होकर निकले। शिवरात्रि की जलेब देखने के लिए पूरे शहर में तिल धरने के लिए जगह नहीं थी। वहीं जलेब में राजा महेश्वर सिंह ने भी नाटी डालते हुए शिरकत की। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए मंडी से ब्यूरो चीफ अमन अग्निहोत्री की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, अगर आप हिमाचल प्रदेश में असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है तो आप 60 वर्ष की आयु में 3,000 रूपए प्रति माह पेंशन के हकदार हैं। पात्र हिमाचली सेवा केंद्र में मुफ्त पंजीकरण करवाएं, हर महीने 75 से 200 रूपए अंशदान जमा करवाएं और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाएं। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला के श्रम अधिकारी एवं श्रम निरीक्षक से संपर्क करें।